अच्छा ठीक है, मैं देखती हूँ आज भी आया है कि नहीं, फिर भिजवाती हूँ। अल्लाह हाफिज। फजलू, ओए फजलू, पता नहीं कहाँ मर गया है आज भी। जी बीबी जी, आ गया बीबी जी। तुम्हें कहा था ना यहाँ पे छुट्टियाँ नहीं करनी, और तुम कल फिर नहीं आए, इतना काम करने वाला होता है, कहाँ मर गए थे तुम कल? वो हाँ हाँ, लगा लो कोई बहाना, बोल लो कोई झूठ। बीबी जी, कल मैं अस्पताल था, साहब जी को बता के गया था, अल्लाह ने मुझे बेटा अता किया है, उसी की मिठाई लेके आओ। इतनी स्पेशल तो नहीं है, मगर अपनी हैसियत के मुताबिक ले आया हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है, और ये कुछ सामान है मेरी बहन को दे आओ। जी बेहतर। और जल्दी आ जाना, आके गाड़ियाँ भी साफ करनी है। जी अच्छा। हेलो हेलो फजलू, कहाँ हो? क्या बात है शगुफ्ता, कुछ परेशान सी लग रही हो। नहीं, वो आपको बुखार था ना, मैंने कहा फोन करके पता कर लूं, आपने दवाई ली है और कहा था कि जल्दी घर आ जाना। जल्दी कैसे आ जाऊं, गरीब आदमी बिस्तरे मर्ग पे भी हो तो अपने बच्चों के पेट की फिक्र लगी रहती है। तू परेशान ना हो, मैं जल्दी आ जाऊंगा। अच्छा ये बता, कुछ काम तो नहीं? अगर कुछ पैसे हो तो आते वक्त गुड्डू के लिए ग्राइवेटर ले आना, वो उसके पेट में दर्द हो रहा है। पैसे तो मेरे पास नहीं है। अच्छा कोशिश करता हूँ। चलो ठीक है। अस्सलाम वालेकुम साहब जी। साहब जी लाइए चाबी, मैं गाड़ी अंदर कर दूँ। नहीं कहीं जाना पड़ सकता है। ओ सच फजलू, तुम्हारी कॉल आ रही थी, मैं तब सुन नहीं सका, बिजी था। बताओ क्या बात है? वो साहब जी, वो मुझे 1,000 रुपया चाहिए था। आपको पता है कि मेरे घर बेटा पैदा हुआ है, अखराजात बढ़ जाते। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो फजलू, मैं तो भूल ही गया था। फजलू तुम बहुत ईमानदारी से काम करते हो, मैं आज से तुम्हारी तनख्वाह पूरे 5,000 बढ़ा रहा हूँ, अब खुश हो? अल्लाह आपका भला करे। ये लो 1,000 रुपया। एक हजार रुपया नहीं मेरे पास, ये 100 रुपया है, रखना तो रखो। साहब जी काम खत्म हो गया, अगर कोई और काम नहीं है तो मैं जाऊं। सुनो कल जल्दी आ जाना, हमने बाजार जाना है तुम्हें साथ लेकर। जी बेहतर। अच्छा किया आपने इसको 100 रुपया दिया, वरना न जाने ये कितना सर पे चढ़ जाता। हाय माँ, आज तो बड़ी थकावट हो गई है, बुखार भी तेज होता जा रहा है। चलो मेडिकल स्टोर से ग्राई वाटर के साथ अपने लिए भी कोई बुखार की गोली ले लेता हूँ। अस्सलामुअलैकुम भाई साहब। वालेकुम सलाम जनाब।
भाई साहब बुखार के लिए दो गोलियां दे दे। दो पैनाडोल दे दो भी। लीजिए भाई साहब। भाई साहब आपको तो बहुत तेज बुखार है, आपको किसी डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए। लगता है मेरी बीपी भी लो है, आपको तो ड्रिप लगेगी। ड्रिप लगाने के डॉक्टर साहब कितने पैसे ले लेंगे? सेहत से बढ़कर पैसे नहीं होते भाई साहब, जान है तो जहान है। हम गरीबों के लिए सेहत से बढ़कर भी कुछ होता है, जिसे हम गरीब लोग बेबसी कहते हैं। एक ड्राई वाटर भी दे दें, दो गोलियों के साथ कितने पैसे बचे? ड्राई वाटर भी दे दें। जी एक पानी का गिलास मिलेगा? बाहर कूलर पड़ा पी लेगा। चंदा लिबास, चंदा लिबास, जाओ बाहर खेलो। बड़ी मुश्किल से मैंने इसे चुप कराया है। आप बाहर जाते हो या नहीं? बाहर जाओ। अब गुड्डू कैसा है? शुक्र है अल्लाह का, अब ठीक है। बड़ी मुश्किल से चुप हुआ है और अब सोने लगा है। आपकी तबीयत कैसी है? दवाई? ये गुड्डू के लिए मैं ग्रेजुएटर लिया, तुम मेरी छोड़ो, अल्लाह मालिक है। तुम अपनी तबीयत सुनाओ कैसी है? अभी ठीक हूँ, डॉक्टरों ने काफी खून की कमी बताई है। आप मेरी छोड़े, खाना बनाए, आप जाकर खा ले। मुझे भूख नहीं है, जब होगी खा लूंगा। अच्छा मैंने आपसे बात करनी है। घर में जो राशन पड़ा था वो मैंने बना लिया है, घर के लिए कुछ भी नहीं है। फिक्र न कर, मैं कल कुछ करूंगा। अल्लाह मदद कर। शिवता तू परेशान ना हो। आज तो शॉपिंग करने का मजा आ गया और यहाँ का पिज्जा भी बहुत मजे का है। अच्छा पिज्जा खाने के बाद घर से नहीं कहीं और जाना है? नहीं घर चलते हैं। बीबी जी जो शॉपर आप भूल आई थी मैं उसे ले आया। अच्छा ठीक है, इसे भी वहां गाड़ी में रख दें। जी बेहतर। अच्छा सुनो फजलू के लिए भी ना यहाँ से कुछ ऑर्डर कर लें। सुबह से हमारे साथ ही है। नौकर है, नौकर रहने दे, सर पे चढ़ाने की जरूरत नहीं है। फ्रिज में मैंने उसके लिए खाना रखा है घर, आप अपना खाना खाएं, टेंशन नहीं लें, मैं उसको घर जाके दे दूंगा। जी बीबी जी आया। आके खाना ले लो, ये लो खाना और वहां बैठ के खा लो।
बीवी ने भी तो कहा था कि घर खाने को कुछ नहीं है, मैं ये खाना बच्चों के साथ ही घर जाके खाता हूं। बात सुने, गाड़ी की बैक सीट पे मेरा मोबाइल पड़ा है, वो भी लेते हैं। साहब जी, ये खाना मैं घर जाके खा लूं? घर जाके खा लो, लाओ मैं पैक करवा देता हूँ। शुक्रिया साहब जी, शुक्रिया साहब। सुनो, ये खाना पैक कर दो और इसमें थोड़ा सा और भी डाल देना। फजलू, बहुत काम चोर हो गए हो, टाइम से पहले घर जाने का सोचा होता तुमने। कल आओ, तुम्हें मैं पूछती हूँ। अच्छा चलो, पैक कर दो। मेहरबानी साहब। शगुफ्ता, ओ शगुफ्ता, बच्चों को ले आ, खाना खा लें। गुड्डू कहाँ है? वो चंदा और अली बास के साथ खेल रहा है। ये खाना कहाँ से लेकर आई? साहब ने दिया था, मैंने सोचा बच्चों में जाके खाऊं। साहब आपको झूठा खाना देते हैं? कैसी बातें करती हो? अल्लाह का शुक्र अदा कर, ये खाना मिला है। फजलू, तुम कितने खुददार थे, कहां गई तुम्हारी गैरत? हाँ, बच्चों की भूख की खातर हो गया हूं मैं बगैरत। वो लोग खुदा बने बैठे हैं, वहां मन सलवा उतरते हैं, यहां मेरे बच्चे भूखे, इतना काम करवाते हैं मुझसे और तनख्वाह ऐसे देते हैं जैसे इहसान करते हैं मुझ पर। तो छोड़ क्यों नहीं देता ये नौकरी, कहीं और नौकरी कर ले। तू दी सब चेक। मैं सब समझती हूँ फजलू, तेरी तनख्वाह तो 15 दिनों में खत्म हो जाती है। शगुफ्ता, तो चुप हो जा, अब मैं रोज यही खाना लेके आया करूंगा, तुम्हें गुजारा करना होगा। जा बच्चों को बुला, खाना खा ले। जाना हेलो। फजलू भाई किधर हो? खैरियत है ना? माँ फौत हो गई है, जल्दी से घर आ जाओ। माँ फौत हो गई? लो अब माँ भी नहीं। बेगम, आज तो चाय तुमने बहुत ही मजे की बनाई है। हेलो। हेलो साहब जी, साहब जी मैं फजलू बोल रहा हूँ, मेरी माँ फौत हो गई है साहब जी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊ। मैं गांव निकलने लगा था, मैंने कहा फोन करके साहब जी को बता दूं, मैं 5 दिनों के लिए काम पर नहीं आ सकता। चलो ठीक है, खुदा हाफिज़ साहब जी। क्या हुआ है? फजलू का फोन था, उसकी माँ का इंतकाल हो गया है, कह रहा था 5 दिन बाद आऊंगा। 5 दिन? वो किस लिए? 3 दिन का तो शोक होता है, इसको तो छुट्टियों का बस बहाना चाहिए। मेरी बात सुने, ये आता है ना, आपने इसकी तनख्वाह कम करनी है, फिर इसको समझ आएगी। अच्छा चलो, देखी जाएगी। अस्सलाम वालेकुम साहब जी, मैंने बस यही बताना था कि मैं आ गया हूँ और बाहर बैठा हूँ। फजलू इधर आओ, मेरी बात सुनो। फजलू देख लो, सोग होता है 3 दिन का, तुमने 5 दिन मांगे और तुम आए 7 दिन बाद हो। तुम्हारी मालकिन सही तुम्हें डांटती है, ज्यादती है यार, तुम्हें पता भी है पीछे कितने काम करने वाले पड़े होते हैं। साहब जी आपको तो पता है
कि मैं गांव गया था, वहां मेहमान कुछ ज्यादा थे, बस दो दिन ज्यादा लग गए। और हाँ, अपना फोन बेच के तो वहां पहुंचा था, इसलिए बता ना सका। यार जो भी है, अब तुम्हारी मालकिन तो पहले ही कह रही थी कि इसकी तनख्वाह कम करो, और तुम ऊपर से 7 दिन बाद आ रहे हो। मैं तो चाहता था कि ऐसा वैसा कुछ भी ना हो, अब मुझे मजबूरन तुम्हारी 5,000 तनख्वाह कम करना पड़ेगी। ठीक है साहब जी। फजलू बात सुनो, मुझे एक बात की समझ नहीं आई, जब मैंने तुम्हारी तनख्वाह 5,000 बढ़ाई थी तब भी तुम खामोश थे, और आज 5,000 कम की है तो अब भी तुम खामोश हो। कोई शिकवा, कोई गिला नहीं? साहब जी, शिकवा गिला क्यों करना, जब आपने मेरी तनख्वाह 5,000 बढ़ाई उस वक्त मेरे घर बेटा पैदा हुआ था, और वो अपने नसीब का रिज्क अपने से हाथ लेके आया था, और आज आपने 5,000 कम कर दी, और ये 5,000 मैं अपनी माँ को भेजा करता था। मेरी माँ फौत हो गई, वो अपने नसीब का रिस्क अपने साथ ले गई। साथ जी, शिकवा गिला क्यों कर रहा, अल्लाह रजाक है और उसने रिज्क देने का वादा किया है। ठीक है साहब जी। फजलू, फजलू तेरा अल्लाह के साथ कितना खूबसूरत रिश्ता है ना, मुझे माफ कर दे यार, तेरे ईमान ने मुझे झिंझोड़ के रख दिया है। मैंने कई बार देखा है तेरी मालकन तुझे नजायज ही डांटती रहती थी, तुझसे इतना ज्यादा काम करवाती थी, तेरे साथ इतना बुरा सलूक करती थी, और मैं खामोश रहता था। लेकिन आज, आज मैं उसे अच्छी तरह समझा दूंगा कि फजलू हमारा मुलाजम नहीं है बल्कि हमारी फैमिली का मेंबर है। फजलू, तू आज से हमारे घर की हर खमी खुशी में शामिल होगा, जाओ बैठो जाकर, कोई काम हुआ तो बुला लूंगा। अपने मुलाजिम को सिर्फ मुलाजिम ना समझो, वो भी एक इंसान है, ना जाने उस पर कितनी जिम्मेदारियां होती हैं, उसके हकूक अदा करो। याद रखना, आपके पास जो कुछ है वो सब कुछ अल्लाह ताला ने अता किया है, अल्लाह जिसे चाहे बेहिसाब रिजक अता कर दे। वक्त बहुत जालिम होता है, आज आप साहिब हसीयत हैं तो कल को कासा पकड़े कहीं भीख मांगते भी नजर आ सकते हैं। अपने मुलाजिम, नौकर, ड्राइवर या जो भी हो, उसको इंसान समझें, जो अपने लिए पसंद करते हैं अपने मुलाजिम के लिए भी वही पसंद करें। देखना, अल्लाह की रहमतें नाजिल होंगी, वरना गरूर और तकब्बर को खाक होने में वक्त नहीं लगता। याद रखना, हकूकुल्लाह तो माफ हो सकते हैं, लेकिन हकूकुल इबाद ये कभी माफ नहीं होंगे। आपको ये टॉपिक कैसा लगा, और हमें नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो बनानी चाहिए, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। थैंक यू।